Hi friends, welcome back to my channel. My name is Nivedita. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. So ये है एक Myntra summer shopping haul. समर्स के टाइम पे हमेशा ही शॉप करते हुए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. वो है किस तरह का फैब्रिक आप खरीद रहे हो और किस तरह का कलर. समर्स में लाइट फैब्रिक जैसे कॉटन, लिनन या आप प्रिंटेड जॉर्जेट्स खरीद सकते हैं. सो कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से मेरे विशलिस्ट में थी. वाइट इज माई न्यू फेवरेट कलर. आई थिंक मैं ब्लैक से बहुत बोर हो गई हूँ. सो फर्स्ट है मेरा ये फेवरेट वाइट स्कर्ट फ्रॉम Myntra. इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका लेंथ मिडी लेंथ है और ये है स्टाइली ब्रांड का स्कर्ट. ये आपको बाकी वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा. मैंने Ajio में भी देखा, उसमें भी था. जिसमें आपको बेस्ट प्राइस मिलता है आप वो ले लीजिए. ये बाहर ये नेट है इसके और ये काफ़ी हैवी फैब्रिक है. बहुत ही ज़्यादा इसका नेट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है. बहुत ही डिफरेंट और यूनिक लगा. इसकी लेंथ भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. ये इलास्टिकेटेड वेस्ट है. मैं जनरली जीन्स और बाकी चीज़ें 30 वेस्ट की पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये स्कर्ट थोड़ा हाई वेस्टेड चाहिए था. सो आई एक्सचेंज इट विद 28. इसका जो ये इलास्टिक वाला एरिया है ये मेरे हाई वेस्ट होने की वजह से 28 फिट आया मुझे और 30 थोड़ा सा लूज था. इसका लेंथ फैब्रिक, इसका जो स्टाइलिंग है इज परफेक्ट फॉर समर्स. सो ये है मेरी फर्स्ट परचेज. ये है स्टाइली ब्रांड का और इसका प्राइस है 1209. सो 1209 रुपये का इसका प्राइस है. इसका एक्चुअल प्राइस वॉज काफ़ी एक्सपेंसिव. सो जैसे ही ये डिस्काउंट में आया मैंने लिया. आई डोंट नो इस तरह का प्राइस एक स्कर्ट में देना चाहिए. इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड मुझे लगता है इसकी क्वालिटी बिल्कुल उतनी है. अंदर इसके लाइनिंग है अलग से और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का स्कर्ट है. काफ़ी दिनों तक चलने वाला है. वॉश करने के बाद भी आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी. ऑलवेज मेक श्योर कि आप किस तरह के लेवल में इसे पहनना चाहते हैं. लो वेस्ट पहनना चाहते हैं तो ऑर्डर योर साइज. अगर हाई वेस्ट पहनना चाहते हैं तो ऑर्डर वन साइज डाउन. सो मैंने कुछ डिवाइड नहीं किया है, रैंडमली जो मेरे हाथ में आ रहा है मैं वही पिक कर रही हूँ. सो नेक्स्ट परचेज है ये ब्यूटिफुल स्कर्ट एंड टॉप का एक क्वाड सेट. इसकी एक लेंथ जो है मैक्सी स्कर्ट जितनी लेंथ है. इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है और इसका जो कलर है विच इज समर अप्रोप्रिएट एंड ऑल्सो द फैब्रिक विस्कोस रियोन जैसा फैब्रिक है. मिक्सड कॉटन है, इट्स नॉट प्योर प्योर कॉटन. इसमें लिखा शायद प्योर कॉटन है बट आई एम नॉट मुझे पता नहीं लग रहा टच करके ये प्योर कॉटन है कि नहीं. थोड़ा सा माड़ी है, जिसे कहते हैं ना कि कॉटन में अगर माड़ चढ़ाए तो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है फैब्रिक, उसी तरह का ये फैब्रिक है. आई लव द प्रिंट ओवर इट. ये ब्लैक कलर के इस तरह से चेकर्ड प्रिंट है इसके ऊपर बट ये कंप्लीट फ्लोर लेंथ नहीं आता. आई एम 5.1 और ये फ्लोर लेंथ नहीं है. मेरे एंकल तक आ रहा था ये क्योंकि मुझे इसे भी हाई वेस्टेड ही पहनना है. इसका इलास्टिकेटेड वेस्ट इज परफेक्ट फॉर हाई वेस्टेड. अगर आप इसे पहनना चाहें, हाई वेस्टेड इन है इसीलिए अच्छा लगेगा. इसका जो टॉप है वो है एक सामने से रैप स्टाइल का, नीचे से ये इलास्टिकेटेड है. ये क्रॉप टॉप है, ये लॉन्ग नहीं है तो आपके एब्स दिखेंगे. और इसकी जो स्लीव्स है वो भी क्वार्टर स्लीव्स है, इसमें भी इलास्टिक लगा हुआ है और सामने से इस तरह का फ्रिल है जो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फेमिनिन सा लुक देता है. आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस. बट एक प्रॉब्लम है कि ये जो स्कर्ट है वो थोड़ा सा सी थ्रू है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि वॉश के बाद ये और ट्रांजी ना हो जाए. बट आप इसके अंदर कोई इनर पहन सकते हैं. मुझे इसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी. डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग एवरीथिंग इज वेरी नाइस. तो ये क्रॉप टॉप और स्कर्ट का जो क्वाड सेट है ये मोक्षी ब्रांड का है और इसका प्राइस है 974 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट. सो इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक क्वाड सेट मिल रहा है समर के लिए तो इट्स वेरी गुड. आप इसे छोटे मोटे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं. घर में अगर वेडिंग है, डे वेडिंग है तो उस टाइम पे छोटे फंक्शंस में जरूर इसे पहन सकते हैं विद अ नाइस दुपट्टा. जो नेक्स्ट है वो है एक ड्रेस, बिल्कुल परफेक्ट फॉर समर. फ्लोरी फ्लोरल
कलर भी अप्रोप्रिएट है समर्स के लिए. ये भी एक मैक्सी ड्रेस है, इसकी फुल स्लीव्स है और आगे से वी नेक है. सॉरी, ये है फ्रंट, आगे से वी नेक है, पीछे से इसका जिपर है और सामने से है कटआउट डिटेलिंग. और कटआउट डिटेलिंग की ड्रेस मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, बट कटआउट डिटेलिंग की एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो कटआउट होता है वो सही जगह पे नहीं होता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हो. इसका कटआउट एकदम परफेक्ट जगह पे है, बट मुझे इसकी जो लेंथ है इस ड्रेस के हिसाब से मुझे मिडी लेंथ चाहिए थी, बट इट्स मैक्सी. इसकी प्राइस है 640 रुपीज और ये स्ट्रीट 9 ब्रांड का है. मुझे बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल कि मैं इसे रखूं कि नहीं रखूं, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं इसे रखूंगी बिकॉज ऑफ द कलर एंड द फैब्रिक. काफी लाइट वेट है, इट्स नॉट प्योर जॉर्जेट, ये जॉर्जेट जैसा फील दे रहा है, बट इट्स पॉलिएस्टर. बिकॉज ऑफ द फैब्रिक मुझे थोड़ा सा डाउट है कि समर्स में मैं इसे पहन पाऊंगी कि नहीं. समर्स हो और आप पिंक ना खरीदे ऐसा तो हो ही नहीं सकता. दिस पिंक ड्रेस इज वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज ऑफ द फैब्रिक, इसकी फिट, इसका लेंथ, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुल. मैंने सोचा मैं आपको इसे इस वीडियो में दिखाती हूँ, मैंने पहले भी इसे दिखाया है, बट ये समर स्पेशल है सो समर्स के लिए पिंक एक परफेक्ट कलर होता है. इसका पिंक भी बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, इट्स स्टिल अवेलेबल और ये ग्लोबस ब्रांड का है. मैंने अराउंड 400 के करीब, 450 के करीब ये ड्रेस ली थी और इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइड बिकॉज इसका फिट, फैब्रिक एंड कलर एवरीथिंग इज परफेक्ट. इसका नेक लाइन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही फेमिनिन गर्ली सा लुक देता है एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस ड्रेस. मैंने अभी तक इसे बाहर नहीं पहना है. जिस प्राइस पॉइंट पे इस ड्रेस को मैंने खरीदा है, मुझे लगता है काफी वर्थ इट है और फैब्रिक भी काफी अच्छा है. इसके नीचे भी लाइनिंग है, जब भी लाइनिंग हो ड्रेसेस में और आउटफिट्स में उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. सो आई एम लविंग दिस ड्रेस. लाइट कलर्स, प्रिंट्स एंड चेक्स आर लाइक अप्रोप्रिएट लगते हैं समर्स के लिए. सो मैंने मिलान से ये खरीदा है, एक कुर्ती स्टाइल ड्रेस. इसके साइड में पॉकेट्स है जो बहुत ही अच्छी बात है, इसको बहुत ही अच्छे से आप स्टाइल कर सकते हैं. बीच में वेस्ट बेल्ट एक रेड कलर का लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. इसकी एम्ब्रॉयडरी इज सो कूल, बहुत ज्यादा सुंदर एम्ब्रॉयडरी है. इसका नेकलाइन भी बहुत फेमिनिन है, रेड बटन्स की वजह से और ज्यादा खिल के आता है क्योंकि इसका ओवरऑल कलर थोड़ा सा डल है, व्हाइट के ऊपर लंबे लाइंस हैं. ये मैंने एक्चुअली में देखा था लाइफस्टाइल में और वहां पे साइज अवेलेबल नहीं था. मैंने तुरंत ही चेक किया मिंत्रा में और मुझे साइज मिला, तो मैंने लाइफस्टाइल की जगह मिंत्रा से ऑर्डर किया और ये परफेक्ट है फॉर समर. ये नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर है, लाइक मिडिल लेंथ जितना ही है और इसकी फिट, फैब्रिक, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर समर. सो ये डिस्काउंट के बाद आया था 649 रुपीज में, मिलांज ब्रांड का है. सो इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. लाइफस्टाइल का जो मेरा फेवरेट ब्रांड है वो मिलांज है. ज्यादातर एथनिक के जो चीजें मुझे पसंद आती हैं या मैं पिक भी करती हूँ तो वो मिलांज ब्रांड के हैं. और मिलांज ब्रांड आप मिंत्रा में भी देख सकते हैं. अगर आपको लाइफस्टाइल में आपका साइज नहीं मिलता है या कलर नहीं कुछ उस तरह का मिलता है तो मैं हमेशा ही चेक करती हूँ एक बार मिंत्रा में. नेक्स्ट है एक फ्लोई मैक्सी स्कर्ट और वो भी स्लिट वाली. तो ये एनिमल प्रिंट येलो मैक्सी स्कर्ट है और इसके पीछे इलास्टिक है और आगे से ये स्ट्रेट बेल्ट जैसा है. इसका लुक बहुत अच्छा है, बट समर के लिए येलो भी एक बहुत अच्छा कलर है. सामने से ये बटन्स है और ये आगे से हाई स्लिट है. इट्स स्टिल अवेलेबल, दैट्स व्हाई मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि आई डोंट नो मेरे लास्ट वीडियोस को कितने लोगों ने देखा है. क्योंकि ये समर हॉल है, मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा समर की चीजें मुझे दिखानी चाहिए. इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, हाई स्लिट है, ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ बहुत अच्छा लगेगा और आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस स्कर्ट. 479 है इस स्कर्ट की कॉस्ट और ये बेरी लश ब्रांड का है. बेरी लश से आप क्वाड सेट्स भी मंगा सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, होप इट्स हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट समर परचेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.